हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभी शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब बात पश्चिम बंगाल की। ममता बनर्जी आज धरने पर बैठने वाली हैं, क्योंकि आज रात 8 बजे तक उनकी रैलियों पर चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग का फैसला असंवैधानिक है, इसलिए आज वो धरने पर बैठेंगी। उधर आज अमित शाह भी बंगाल में होंगे, 3 चुनावी सभाओं को संबोधित वो करने वाले हैं। ममता बनर्जी की बात की जाए तो लगातार वो प्रचार कर रही हैं और आज ये तय है कि बंगाल की सियासी तपिश बहुत बढ़ने वाली है। पश्चिम बंगाल में 4 चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन आज जो बंगाल में सियासी नाटक होगा वो सबसे अलग होगा और उस नाटक पर हर कैमरे का फोकस होगा। जैसे ही ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए बैन लगाया, ममता ने धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक निर्णय के विरोध में ममता दोपहर 12 बजे कोलकाता के गांधी मूर्ति में धरने पर बैठने वाली है। मतलब आज 8 बजे तक रैली करने पर रोक है तो फिर धरना ही सही। धरना स्थल को ममता बनर्जी आज मंच में बदल देंगी, वहीं से बोलेंगी, वहीं से गरजेंगी, वहीं से ललकारेंगी। तुम्हारे जो कि বাংলাদেশে যেতেই হয়, তুমি ভোটে পড়ে গেছে, তুমি আগেও তো অনেকবার বাংলাদেশে গিয়েছিলে, তখন যাওনি কেন? ভোটের সময় ভোট করতে গিয়েছিলে আর ওইখানকার একটা ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলে, কিসের জন্য? বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। আর কি এত দাঙ্গা লাগিয়ে এসছো? আমার গিয়ে দাঙ্গা লাগিয়ে এসছো, যেখানেই যাও দাঙ্গা লাগো, অন্য দেশে গিয়েও লজ্জা করে না। আমি একটা এভিডেন্স দিই, কেন ইলেকশন কমিশন ইজ নট টেকিং টু আ মোটো কগনিজেন্স। कोलकाता के गांधी मूर्ति के सामने ममता बनर्जी धरने पर बैठेंगी। टीएमसी गुस्से से लाल है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर बोल रहा है और एक्शन ले रहा है। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते, नहीं हरा सकते हो, इसलिए क्या करते हो, बैन करते हो। ममता बनर्जी पर बैन इसलिए लगाया गया क्योंकि चुनाव आयोग को लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को पाने के लिए उकसाने वाला भाषण दिया। हुगली में चुनावी जनसभा के दौरान सांप्रदायिक मसले पर खुलेआम वोट मांगने का आरोप है, लिहाजा पहले नोटिस और अब बैन। इस बैन को सुनकर बीजेपी गदगद है। ममता बनर्जी तो खुद बयानने के बाद हम लोग को एक वीडियो आया है जहाँ पे सीएसएफ को मार रहे हैं, तो सीएसएफ को जख्मी कर रहे थे, तो उसी टाइम ममता बनर्जी के जो एक नारे थे, जो एक दल उसका घेराव करेंगे और एक दल बूथ लूटेंगे, जैसे पंचायत में हुआ था, लोकसभा में कुछ हुआ, जगह में हुआ था, तो उसी करने के लिए गए थे। उसलिए आज 4 आदमी का डेथ हुआ, एक कोई खराब नहीं हुआ। सरकार ऐसे नहीं आते, काम करने के बाद सरकार आते। कभी किसी को वोट लूटना ममता बनर्जी का काम है, इसी के खिलाफ जो हुआ है अच्छे हुआ है। 5वें चरण का मतदान 17 तारीख को है, लेकिन उसके पहले चुनाव आयोग पर ममता का बैन प्रचार का रंग बदलने वाला है और ढंग भी। अमित शाह 3 रैलियां और एक रोड शो करने वाले हैं। पहली रैली 11:30 बजे दार्जिलिंग में है, दूसरी रैली जलपाईगुड़ी में दोपहर 12:45 पर है, दोपहर 2:15 पर उत्तर दीनापुर में रोड शो है, जबकि शाम 5 बजे अमित शाह विधाननगर में रैली करेंगे। आज अमित शाह पश्चिम बंगाल चुनाव में बचे हुए 4 चरणों के लिए अपने चुनाव प्रचार में एक नया आयाम भी जोड़ने वाले हैं, जो ग्रेटर कोलकाता इलाके में फैली 40 सीटों पर आधारित है। बीजेपी कोलकाता में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आउटरीच अभियान के आयोजनों की आज से शुरुआत करेगी। इसमें 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी पोथो सभाएं यानी नुक्कड़ सभाएं होंगी। कोलकाता और उसके आसपास 40 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नेता ग्रेटर कोलकाता में रहने वाले लोगों से मिलेंगे। बीजेपी जानती है कि बंगाल जीतने के लिए ग्रेटर कोलकाता को जीतना बहुत जरूरी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी यहां बहुत कमजोर पड़ गई थी, लिहाजा इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहती। बंगाल के सियासी रण में आज खूब हमले होने वाले हैं। हर बीतते चरण के साथ बंगाल का मुकाबला और तीखा होता जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।